दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं NBA लीग में जो आज का बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल मैच होने वाला है, CHI वर्सेज MIL के बीच जो आज का बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली के लिए, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे कौन सा प्लेयर आपके लिए कैप्टन के और कौन सा प्लेयर वाइस कैप्टन के रूप में बेस्ट चॉइस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग में किस प्लेयर को लेकर चले और ग्रैंड लीग में किस प्लेयर को लेकर चले। तो स्मॉल लीग में CHI की तरफ से आप अपनी टीम में डेरेन वार्न को ज़रूर लेकर चलिए दोस्तों, जो कि इस लीग में 1599 के लगभग पॉइंट कवर करके तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन समोली के लिए होने वाले। तो इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप मैच की दिया तो इस प्लेयर को आप अपनी समोल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम में लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। बात करते हैं अगले हमारे समोल लीग और ग्रैंड लीग के जैक लेविनी के बारे में, जो कि 1392 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जी समोली के लिए होने वाले। तो आप समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में लेकर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं MIL की तरफ से आप किस प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करें, तो स्मॉल लीग में MIL की तरफ से जेनिस को अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए। आप देख सकते हैं 2000 से भी ज़्यादा अभी तक इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके। अगर हम बात करें अगले स्मॉल लीग के प्लेयर के बारे में तो ज़रूर ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए होने वाले। तो इन दो प्लेयर आपको हमने दोनों टीमों में से बता दिए। इन चार प्लेयर को आप अपनी स्मॉल लीग टीम में, जितनी भी स्मॉल लीग टीम बनाएं उन स्मॉल लीग टीम में जरूर लेकर चलिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। ग्रैंड लीग के बारे में बात करें तो टोनी आपके पास भी एक अच्छा खासा टोनी ब्रैडले ऑप्शन होने वाले ग्रैंड लीग के रूप में। तो अगर आप समोह लीग टीम में आते हैं समोह लीग में इनको बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, सिर्फ इनको आप ग्रैंड लीग में लेकर चलें तो आपके लिए अच्छा खासा फायदा होने वाला है। ट्रॉय के बारे में बात करें, ट्रॉय राहुल जो कि CHI की तरफ से खेलते हैं, उनको आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग के लिए लेकर चल सकते हैं। ये रिस्की प्लेयर है दोस्तों, इनको समोह लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। सैंड्रो के बारे में बात करें जो कि MIL की तरफ से खेलते हैं 165 के लगभग पॉइंट कवर करके, इनको भी आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चलिएगा। ये रिस्की प्लेयर होते हैं दोस्तों, इसलिए आप अपनी समोली में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। डे एंड्री के बारे में बात करें जो कि 417 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो इनको भी आप अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई लेकर कर चले दोस्तों, समोली लीग से इन प्लेयर को दूर ही लेकर चले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आगे हम आप ड्रीम टीम के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्म के बारे में। तो की प्लेयर में सबसे पहले CHI की तरफ से आए हो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले पॉइंट गार्ड के रूप में, जैक लेविनी आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले शूटिंग गार्ड के रूप में, डे मार आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड CHI की तरफ से, और जवोंटे ग्रीन आपके पास एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड के रूप में, और निकोला विवो एक आपके पास एक अच्छा सेंटर के रूप में ऑप्शन होने वाले। तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए CHI की तरफ से, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। अगर MIL की तरफ से बारे में बात करें तो जेरू हॉलीडे जो कि एक अच्छे खासे पॉइंट गार्ड के रूप में MIL की तरफ से खेलते हैं, इनको आप अपनी टीम में लेकर चलिए। पैट के बारे में बात करें तो शूटिंग गार्ड के रूप में आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। पेरिस मिडलटन के बारे में तो आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड है। अगर हम पावर फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो टैंक टॉप आपके एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड के रूप में ऑप्शन होने वाले। बॉबी पोर्टिज आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर के रूप में होने वाले। तो इनको प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए दोस्तों, ये बेस्ट की प्लेयर है दोस्तों, आपके हर टीम में इन प्लेयर को जरूर लेकर चलिएगा। तो आगे बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर की बात करने से पहले मैं आपको बता दें, हम डिस्क्रिप्शन में VGN इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी VGN इलेवन को डाउनलोड करें क्योंकि इसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे विन कर सकते हैं, यानी कि एंट्री फीस कम है, विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप अभी VGN इलेवन डाउनलोड करें लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और आप हमारा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। तो अभी VGN इलेवन को डाउनलोड करके अपनी फंटेसी टीम बनाए दोस्तों। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो आयो डॉस में आपके पास एक अच्छा खासा CHI के बारे में बात करें तो आयो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले हैं। 728 के लगभग पॉइंट करके 9 के लगभग क्रेडिट लेवल है दोस्तों। जैक लेविनी के बारे में बात करें तो बेस्ट ऑप्शन है जी शूटिंग गार्ड के रूप में, 1392 के लगभग पॉइंट करके शूटिंग गार्ड के रूप में इस लीग में बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें कोबी व्हाइट के बारे में जो कि एक अच्छे खासे शूटिंग गार्ड के रूप में CHI की तरफ से खेलते हैं, 636 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे हैं। अगर हम बात करते हैं डेमार डोजन के बारे में, एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, 1599 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्रॉय ब्राउन के बारे में बात करें जो कि एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड आपको CHI की तरफ से देखने को मिला, 322 के लगभग पॉइंट कवर करके, और इनके हर मैच के और एवरेज स्कोर है दोस्तों, तो इनको आप अपनी टीम में इस हिसाब से लेकर चलेगा। अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर MIL की तरफ से देखें
तो आपके पास जरूर हॉलीडे एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। पैट कॉन्टन एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड, कैरो एलियन के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड, क्रिस मिडलटन एक के पास स्मॉल फोर्ड के रूम में, और डेनी आंड्रे एक अच्छे खासे स्मॉल फोर्ड के रूम में ऑप्शन होने वाले। तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर है दोस्तों, तो यानी कि इस लीग में इनका बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में हमें आप तीन प्लेयर आपके पास अच्छा खासे सी एच आई की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन होने वाले हैं, और तीन प्लेयर एम आई एल की तरफ से आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जैक लवीने के बारे में। सी एच आई की तरफ से खेलते हैं शूटिंग गार्ड के रूम में, इनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में मौका दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डेमार डेरोजन के बारे में, जो कि अच्छा खासा स्मॉल फोर्ड के रूम में सी एच आई की तरफ से खेलते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में होने वाले। निकोला के बारे में बात करें, जो कि एज ए सेंटर के रूम में सी एच आई की तरफ से खेलते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में एज कैप्टन वाइस कैप्टन इन तीन प्लेयर सी एच आई में से तीन प्लेयर में से मौका दे सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। एम आई एल के बारे में बात करें, जेरू हॉलीडे एक अच्छा खासा कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में आपके पास ऑप्शन होने वाला है, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कुटुम्पो के बारे में, तो आपके पास एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में एम आई एल की तरफ से लेकर चल सकते हैं। बॉबी फोर्टिस आपके पास बेस्ट सेंटर और बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में ऑप्शन होने वाले हैं, तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं टीम स्क्वाड के बारे में, तो यही प्लेयर दोस्तों दोनों टीमों के प्लेयर के नाम है। तो अब हम हर एक प्लेयर का नाम बता कर चले तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके हर प्लेयर का आप नाम देख सकते हैं। इस टीम यही प्लेयर में से आप आज अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में, तो पॉसिबल हमारे हिसाब से दोस्तों आज ये प्लेयर टीम में खेलने वाले हैं, तो हर प्लेयर के बारे में हम आपको रिकॉर्ड के मतलब इनके पहले जो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर है बेस्ट प्लेयर है उनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, तो उस हिसाब से अपनी टीम बना लेना और एक बार वीडियो पोज करके दोनों टीमों के बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर ज़रूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि इन्हीं में से आपकी ड्रीम टीम बनने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारी पहली ड्रीम टीम के बारे में, तो पहली ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में जे हॉलीडे आपके पास एम आई एल की तरफ से बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। तो सुनूमू आपके पास एक अच्छा खासा सी एच आई की तरफ से पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चल सकते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा बैल के रूम में भी ऑप्शन होने वाले पॉइंट गार्ड के रूम में। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, लेविने आपके पास बेस्ट ऑप्शन, जैसा कि आपको वीडियो में पहले भी बता दिया था, ऐसे एक अच्छे खासे शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाले। कॉन्टन आपको जैसा कि हमने बताया था एज ए शूटिंग गार्ड आप अपनी टीम में हर टीम में लेकर चलिएगा, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, तो डे रोजन आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फोर्ड सी एच आई की तरफ से देखने को मिलेगा। मैथ्यूज़ के बारे में बात करें, एम आई एल की तरफ से एज ए स्मॉल फोर्ड के रूप में खेलते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ज़रूर मौका दे सकते हैं। पावर फॉरवर्ड के बारे में बात करें, थॉमसन आपके पास एक अच्छा खासा और एटंगटन आपके पास एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड प्लेयर होने वाला है दोस्तों, तो इनको मौका दे सकते हैं। सेंटर के बारे में बात करें, तो पोर्टिस आपके पास बेस्ट ऑप्शन और लोपेज बेस्ट ऑप्शन होने वाले। तो हम ये पहले हम आपको ड्रीम टीम बनाकर दिखा रहे हैं दोस्तों, इनमें से आप अपनी प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, तो जे हॉलीडे आपके पास एक अच्छा खासा कैप्टन के रूप में और लवीने वाइस कैप्टन के रूप में पहली टीम में लेकर चल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम आपको फाइनल टीम सिर्फ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप विजन इलेवन को अभी डाउनलोड करें, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे आपको सिर्फ विजन इलेवन ही दे सकते हैं। ड्रीम इलेवन से भी कम उसमें पैसे इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा पैसे विन कर सकते हैं।